हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अगेन आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन शेयर से रिलेटेड, जीएम फोल्डर से रिलेटेड। देखिए, कुछ टाइम पहले ही जीएम फोल्डर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि किस तरीके से जीएम फोल्डर आपको एक अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आ सकता है। 3 मंथ्स पहले ही मैंने बताया था और 20% के टारगेट भी आपको बताया था। तो यहाँ पर 2305 के यहाँ पर टारगेट आते हुए नज़र आ रहे हैं और ये टारगेट अचीव होगा। और उस टाइम मैंने यहाँ पर वीडियो में बताया था कि अभी आपको यहाँ पर खरीदना नहीं है, कूल ऑफ हो जाए तब यहाँ पर खरीदेगा। तो यहाँ पर वो कूल ऑफ होता हुआ नज़र आया और यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज यहाँ पर बाइंग करने की। बट आप अभी भी बाई करके समझ सकते हैं, बट कोई भी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है और इसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जीएम फोल्डर से रिलेटेड बातें क्यों कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। तो जीएम फोल्डर से रिलेटेड बातें करने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ से मुझे ये शेयर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देता हुआ नज़र आता है। लगभग 50 से 100% के रिटर्न आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में मिलते हुए नज़र आते हुए दिखाई देंगे। और उसके पीछे का रीज़न क्या है कि मैं इतने दावे से ये कह रहा हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न है यहाँ पर जो इसके फंडामेंटल्स है और इसके टेक्निकल है, तो वही हम यहाँ पर एक बार जानेंगे। सबसे पहले जीएम फोल्डर की अगर हम बात करें तो ये करता क्या है, तो ये कंपनी ग्लास लाइन इक्विपमेंट यहाँ बनाती हुई दिखाई देती है। देखिए, केमिकल्स डालने के लिए, केमिकल्स को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए जो कंटेनर बनाए जाते हैं, ओके, ग्लास के या फिर डिफरेंट दूसरी चीज़ों के, तो वो ये पर्टिकुलर कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है। और उसमें इस कंपनी का योगदान इंडिया में सबसे ज़्यादा नज़र आता है। लगभग अगर बात करें 50% जो मार्केट शेयर है वो ये पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पर ग्रैब करके रख रखी है या कैप्चर करके रख रखी है। तो एक बहुत बड़ा, यहाँ पर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा इसने मार्केट यहाँ पर कैप्चर कर रखा है। इनके ऑर्डर की पाइपलाइन देखें तो मैंने यहाँ पर इनका लास्ट रिजल्ट देखा था, ओके, अगस्त में, तब मैंने यहाँ पर ये पढ़ा था। तो इनके ऑर्डर का पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा है, इनके पास अच्छे खासी ऑर्डर बुक है, ओके, और जो ये पूरा करते करते शायद इन्हें 6 महीने से 1 साल पूरा लग जाएगा। तो इनके पास अच्छी खासी कैपेसिटी है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा नज़र आता है। आप चाहे तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके के ये प्रोडक्ट्स दिखाती है, किस तरीके के ये प्रोडक्ट्स ये बनाती है और एग्जैक्टली इनके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। क्या ये कंपनी सही में ही उस तरीके की कंपनी है कि हमें अगर यहाँ से दाव लगाते हैं तो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ नज़र आता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब हम लोगों ने यहाँ पर शेयर खरीदना शुरू किया था तो जस्ट बिकॉज ऑफ इसका OFS आया था तो यहाँ पर ये शेयर गिरता हुआ नज़र आया था। और एक अच्छा खासा गैप डाउन के बाद यहाँ पर अब आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम बात करें 2 साल बाद ये चीज़ें यहाँ पर चलने शुरू हुई है। तो 2 साल का कंसोलिडेशन एज वेल एज यहाँ पर कंपनी में पॉजिटिविटी नज़र आती है। तो अब इस शेयर की तरफ आप यहाँ पर नज़रें बना के रख सकते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो आर ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइन दैट इंक्लूड फोल्डर, नॉर्मेंग, मवांग, मिक्सियन, इंटरसेल एज वेल एज इक्यूलो और ईडी लॉन, यहाँ पर ये इनके कुछ कंपनी यहाँ पर ब्रांड है, ओके, और अच्छा खासा ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। ग्लोबल फुटप्रिंट है, ओके, इन्होंने जो OFS यहाँ पर लाए थे वो इन्होंने अपना इंटरनेशनल जो बिजनेस था, जो पेरेंट कंपनी थी, उसे खरीदने के लिए यहाँ पर ये OFS लाते हुए दिखाई दिए थे, जो इस जिसका एक्विजिशन ये ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। तो कंपनी अच्छी खासी है, यहाँ पर देख सकते हैं इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, रिएक्टिंग सिस्टम, एवोपरेशन एंड द डिस्टिलेशन सिस्टम्स, एवोपरेशन सिस्टम्स, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग सिस्टम और एसिड रिकवरी, तो हर एक उस चीज़ में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। देखिए, ग्लास लाइन जो टेक्नोलॉजी है ये है, लैब एंड प्रोसेस ग्लास जो बनते हैं ये है, ओके, जो लैब्स में आप देखते हैं, फिल्ट्रेशन और ड्राइंग जो होते हुए दिखाई देते हैं वो यहाँ पर है, ओके, मिक्सिंग टेक्नोलॉजी के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। तो ये प्रोडक्ट्स तो हर जगह यूज़ होते ही है, आपको यहाँ पर पता ही है। तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ये नज़र आता है ये शेयर। मार्केट कैप की बात करें 8,741 करोड़ का मार्केट कैप है, मींस स्मॉल कैप कंपनी है। और पीई की बात करें 55 का पीई है। देखिए, इतना गिरने के बाद भी शेयर यहाँ पर इस लाइन पे अगर खड़ा हुआ है तो उसके पीछे की वजह है कि कंपनी का 50% मार्केट शेयर, कंपनी का शेयर काफ़ी बेहतरीन है, ये इसका सिंपल वजह है। और जिस तरीके से यहाँ पर बातें की जा रही है कि पूरा का पूरा बिजनेस चाइना से या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पर इंडिया में शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें ये इसके प्रोडक्ट्स यूज़ होने जरूरी है, ओके, और ज़रूरी होते हुए भी नज़र आएंगे। तो कंपनी का ROC ROE कुछ खास नहीं है, ओके, 16% के आसपास है। डेट की बात करें, कंपनी के ऊपर डेट भी यहाँ पर अच्छा खासा है, बट शेयर अच्छा खासा यहाँ पर नज़र आता है। और इस चीज़ को हमें देखना नहीं है, हमें देखना है कंपनी का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर देखो तो 20 रुपये वाला शेयर 2000 रुपये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो
कुछ ना कुछ इसका मतलब है। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे कंपनी के और चीज़ों से रिलेटेड, तो सेल्स, कंपनी की सेल्स लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई और इस बार की भी सेल्स हाईएस्ट एवर है। मार्जिन देखिए 15% का है, जो कि क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे हाईएस्ट एवर है। और ईपीएस देखिए, ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रॉफिट 97 करोड़ का, जो कि आज तक यहाँ पर पिछले 12 क्वार्टर में आता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो जब ये सब चीज़ ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है, तो कंपनी यहाँ पर क्या दिखा रही है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ है, कंपनी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ईयरली बेसिस पे भी बात करें तो ईयरली बेसिस पे 195 करोड़ का यहाँ पर सेल्स, 3000 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो गई है। नेट प्रॉफिट भी 12 करोड़ का यहाँ पर 200 करोड़ के आसपास आ गया। तो कंपनी अच्छा कर रही है, और जब कंपनी अच्छा कर रही है तो शेयर को नीचे नहीं रहना, शेयर को हमेशा ऊपर जाना होता है। रिजर्व्स कंपनी का 655 करोड़ के रिजर्व्स है, जो कंटिन्यूस वे में बढ़े हैं। और कंपनी ने अभी यहाँ पर बोरिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, उसके पीछे का रीज़न है कंपनी यहाँ पर अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। 21 करोड़ रुपये वर्किंग प्रोग्रेस में, और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, बट कैश की बात करें कंपनी का 300 करोड़ रुपये का कैश भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर और कुछ ही यहाँ पर बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर लगभग 56% की यहाँ पर होल्डिंग रखते हैं। FIIs की बात करें 11% के यहाँ पर FIIs के पास शेयर है। DIIs की बात करें 5% के यहाँ पर शेयर है एज इट इज़ बने हुए। और पब्लिक की बात करें तो 26% के शेयर यहाँ पर पब्लिक के पास भी नज़र आते हैं। तो हम यहाँ पर टेक्निकल की तरफ चलेंगे, और यहाँ पर टेक्निकल कुछ स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। बट उससे पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। डेली यहाँ पर वीडियोज़ आती है, जाके एक बार देख लीजिए। और हमारा एक कोर्स है जिसे हम टेक्निकल फंडामेंटल, जिसे हम फंडा टेक्नो भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ लोग फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर पैसे कमाते हुए दिखाई देते हैं। रिसर्च सब कुछ इंक्लूड है, ऐसा बेहतरीन कोर्स आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। तो एक बार 1-to-1 क्लासेस के लिए ज्वाइन होकर देखिए, तब आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी। 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग है। 8860540501, 8169261037। बेहतरीन यहाँ पर इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं और अपनी जर्नी स्टॉक मार्केट की शुरू कर सकते हैं। तो GM फॉलोअर से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो GM फॉलोअर देखिए यहाँ पर हाई बनाया था, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि गैप डाउन होता हुआ नजर आया था। और इसके पीछे का रीज़न क्या था, इसके पीछे का रीज़न था OFS। यहाँ पर न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग होती हुई नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये शेयर रुकने नहीं वाला था। ये शेयर जब ये तो अभी स्प्लिट और बोनस आता हुआ दिखाई दिया था, ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर शेयर आपको 1800 रुपये पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस शेयर को यहाँ पर रुकना नहीं था, शेयर को यहाँ पर लगभग 10,000 का लेवल टच करना था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ दिस कि OFS आया, OFS में कुछ लोगों को पता थी, उन्होंने ऑलरेडी सेल ऑर्डर लगा रखा था, इसलिए ये शेयर यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया। अदरवाइज ये शेयर आज की डेट में आपको इस रेट पे नहीं मिल रहा होता, बिलीव मी। और यहाँ पर एक काफ़ी लंबा यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद ये शेयर ने यहाँ पर ये अपनी रेंज को तोड़ा है। और अगर आपने डार्वस निकोलस को अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पर इसे बॉक्स थ्योरी भी कहते हैं। बॉक्स थ्योरी में आने पर अच्छा शेयर बनता हुआ नजर आता है, ओके। तो यहाँ पर इसी तरीके से बड़े बड़े लोग यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। एक अच्छा खासा शेयर यहाँ से चलना शुरू हो गया है। सबसे पहले टारगेट की बात करूँ तो सबसे पहला टारगेट तो आपके सामने ही है। जैसे ही ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर 8% के लेवल को निकालेगा, उसके बाद शेयर में और जान आती हुई दिखाई देगी और ये शेयर आपको 18% से 20% के टारगेट यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ये क्या एंड है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि जो कहानी यहाँ पर अधूरी रह गई थी वो कहानी अब यहाँ पर शुरू होती हुई नज़र आई है और यहाँ पर एंड होती हुई नज़र आएगी। तो शायद ये शेयर आने वाले टाइम में आपको 3,000 से 4,000 के बीच में आपको मिलता हुआ नज़र आ सकता है। थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा पेशेंस के साथ। क्यों, क्योंकि देखिए इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद भी शेयर यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो ये इस पर्टिकुलर कंपनी की क्या है, खासियत है, बता रही है कि कितना स्ट्रांग यहाँ पर कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है। तो आप इसकी तरफ बिलीव करके चल सकते हैं। सबसे पहला टारगेट ये, इसके बाद आगे के यहाँ पर टारगेट हम आगे डिसाइड करेंगे। कंपनी हर तरीके से अच्छा नज़र आती है, यहाँ पर 200 और यहाँ पर 20 DMA से यहाँ पर ऊपर भी चल रही है, जो कि अच्छी बात है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना और इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स की डिटेल्स ले लीजिए, ताकि आप अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो सीखना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।